पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में। नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया। लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारें। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। जहाँ आप देख रहे हैं शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। डबल मर्डर और ट्रिपल मर्डर का गवाह बना नवादा। 20 दिनों में 9 लोगों की मौत। जिले में अचानक अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। हत्या की बढ़ती घटनाओं से जिलेवासी सकते में है। पिछले 20 दिनों में अपराधियों ने जिले के 9 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ट्रिपल मर्डर और डबल मर्डर जैसी घटनाओं का यह जिला गवाह बन गया है। रजौली कोआकोल हिसुआ व वारिसलीगंज में हत्या की वारदातों को अंजाम दिया गया। सभ्यता का मिला साक्ष। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे जायजा। नवगछिया बिहपुर के जयरामपुर गुराडी बिहार में कोसी के तट पर चंपा सभ्यता के विकसित होने के कुछ साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता का विकास करीब 2.5 से 3 हजार वर्ष पुराना माना जा रहा है। यहां से हाथी के दांत, मिट्टी का लोटा, चंदन घिसने का पाल, सुनमा पात्र सहित अन्य अवशेष बरामद किए गए। हालांकि इस पर विभिन्न इतिहासकारों के बीच मनांतर चल रहा है। अब ये कैसा सुशासन है। 12 दिन के बाद ही अपहरित दोनों कारोबारी भाइयों का नहीं चल रहा पता। बिहार की दो बड़ी घटनाओं में पुलिस फेल हो गई है। अपने आप को तेज तर्रार कहने वाली बिहार पुलिस परीक्षा में शून्य अंक लाई है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो बड़ी वारदात में पुलिस के हाथ खाली हैं। एक घटना में पुलिस जो दावे कर रही है वह सिर्फ आई वॉच ही है। दरभंगा के 10 करोड़ की सोना लूट में पुलिस ने एक छटांक सोना बरामद नहीं कर सकी है। वहीं पटना के नौबतपुर के 9 दिसंबर से अपहरित दोनों कारोबारी भाइयों का भी पता अभी तक पुलिस नहीं लगा पाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में जू सफारी का लिया जायजा। कहा मार्च तक बनकर तैयार होगा ग्लास ब्रिज। जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में निर्माणधारी नेचर और जू सफारी का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने नेचर सफारी से में निर्मित ग्लास ब्रिज का मुआयना किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं इस ग्लास ब्रिज पर चढ़कर उनकी गुणवत्ता का निरीक्षण कर रहे थे। से ठीक पहले हीरो बनकर पहुंच गई पुलिस, बचा ली युवक की जान। जहानाबाद जिले के करौना पुलिस हीरो बनकर आई। पुलिस ने हत्या की नियत से अपहरित युवक को न सिर्फ छुड़ाने में सफल रही बल्कि एक बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस द्वारा छुड़ाए गए युवक मसौड़ी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। केंद्र सरकार की सद्बुद्धि को लेकर पप्पू यादव ने किया महायज्ञ। किसान बिल को लागू किए 6 माह गुजर चुके हैं, लेकिन इस बिल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। किसान बिल पिछले 20 दिनों से इस बिल को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज जन अधिकार पार्टी की ओर से केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए किसान बिल के खिलाफ और केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए महायज्ञ किया गया। आरसीपी सिंह होंगे नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी। नीतीश ने पार्टी के नेताओं को दे दिया सब। जदयू में नीतीश कुमार के बाद कौन इस गद्दी को संभालेगा, नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया। अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार ने कह दिया है कि उनके बाद आरसीपी सिंह ही सब कुछ देखेंगे। ये बातचीत जदयू के इंटरनल बैठक की है। हालांकि अधिकृत तौर पर कोई कुछ बोलने को तैयार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। फिर मिले 712 मरीज। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक राज्य में कोरोना के 712 नए मरीज मिले हैं। इनमें मरीजों की सबसे अधिक संख्या पटना जिले से आ रही है, जहां कोरोना के 288 नए मरीज पाए गए। तालाब में मिला नवविवाहिता का शव। मायके वालों का आरोप पति के अवैध संबंध की भेंट चढ़ी जिंदगी। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना के छनेच गांव के तालाब में एक महिला का शव बरामद किया गया है, जिसके कारण माना जा रहा है कि उसकी हत्या के बाद शव को यहां फेंक दिया गया। इसने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें
संपर्क सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052443।